नमस्कार दोस्तों, एक्ट टू फन की वेब सीरीज की एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और नई हॉट रोमांटिक वेब सीरीज के बारे में, जो कि कुकू प्लेटफॉर्म पर आज से कुछ समय पहले रिलीज हुई थी। आपको बताएंगे पूरी स्टोरी के बारे में, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस वेब सीरीज की स्टारकास्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो देख के आपको भी पता चल गया होगा कि सब वेब सीरीज जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एरोटिक होने वाली है, यानी कि आपको इस वेब सीरीज में स्वागत वाले सीन और हॉट रोमांटिक अन्य सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। और स्टारकास्ट के रूप में आपको जो अंकिता दावे जो मेन लीड रोल में इस वेब सीरीज में नजर आने वाली है, जो कि शीला का किरदार जो इस वेब सीरीज में निभा रही है। और इसके अलावा आपको जो अख्तर सिद्दीकी जो इस वेब सीरीज में नजर आएंगे, जो कि बैबो का रोल निभा रहे हैं, और नीलम भंसाली जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एक्ट्रेस है इस वेब सीरीज में जो है रीना का रोल जो प्ले कर रही है। कहानी की शुरुआत में दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि आपको जो एक तरह से इस वेब सीरीज में तीन तरह की कहानी देखने को मिलने वाली है। एक कहानी में आपको अंकिता दावे देखने को मिलेगी, जो कि अंधी लड़के का रोल प्ले कर रही है और साथ में अपने जीवन में हर कुछ पाने की कोशिश करती है और अपने पति को खुश रखने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ आपको नीलम भंसाली नजर आने वाले, जिनकी अलग ही केमिस्ट्री जमती है वैभव के साथ, और साथ ही वो वैभव से पैसे भी लेने की कोशिश करती है। और तीसरी कहानी में इनकी अख्तर सिद्दीकी की होती है, जो कि अपनी वाइफ से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब इस पूरी वेब सीरीज की कहानी के बारे में। कहानी के शुरुआत में आपको ये देखने को मिलता है कि वैभव जो था वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी जो होती है एक अंधी लड़की से हो जाती है, यानी कि जिसका नाम इस वेब सीरीज में शीला रखा गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अंकिता दावे जो एक्टर जो कि इस वेब सीरीज में शीला का रोल प्ले करी है। तो कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और वैभव जैसे अपने माता पिता को फ़ोन करता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम लोगों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और पैसों के चक्कर में और साथ में दहेज के चक्कर में, लेकिन जो होना था वो हो चुका है और मैं जो है अब इस शादी से खुश नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा वैभव जो शीला के पास चला जाता है और उसके साथ जो है स्वागत मनाता है। और इस तरह से वेब सीरीज में आपको जो एक बार फिर से जो एरोटिक सीन जो देखने को मिलने वाले। और दूसरी तरफ वैभव जो होता है जब दूसरे दिन ऑफिस जाता है, तो ऑफिस जाते ही वैभव जो होता है अपने दोस्त से बात करता है, तो उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ऑफिस में एक नई जो सेक्रेटरी जो है तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट जो कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है अपनी शादी से खुश नहीं हो। लेकिन साथ में वैभव का दोस्त ये भी कहता है कि आपको जो घबराने की कोई बात नहीं, जो तुम्हारी आने वाली नई जो सेक्रेटरी है काफ़ी ज़्यादा हॉट और बोल्ड है, तुम उससे भी काम चला सकते हो। वैभव कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन जैसे रीना की एंट्री होती है, यानी कि नीलम भंसाली जो कि सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रही है और रीना इस वेब सीरीज में नाम रखा गया है, जैसे वैभव के ऑफिस में एंट्री करती है तो वैभव उसको देखता है और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वैभव देखती जो एक तरह से उसके जो होता है मोहित हो जाता है और वैभव को लगता है कि जो काफ़ी ज़्यादा हॉट और बोल्ड है और ना जाने मेरे चक्कर में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है और रीना और वैभव दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, और इसके बाद जो होते हैं रीना और वैभव जो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, और इन दोनों के सीन आपको जो है वैभव के घर में भी और साथ में वैभव के ऑफिस में देखने को मिलने वाले। और कहानी में ट्विस्ट उसमें भी आता है जब वैभव जो है रीना को फ़ोन करता है और रीना को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता, और दूसरी तरफ रीना कहती है कि मेरा मन भी तुम्हारे साथ मिलने को काफ़ी उतावला है। तो वैभव जो है रीना को अपने घर में बुला लेता है, लेकिन साथ ही वैभव को ये भी पता है कि उसकी वाइफ इनकी शीला जो है घर में ही है। तो साथ ही वैभव रीना को ये भी कहता है कि शीला को पता चल जाएगा, लेकिन रीना कहती है कि तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल अंधी है, तुम्हें पता कैसे तो उसको पता कैसे चलेगा। लेकिन वैभव जो है वो रीना को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना नहीं मानती और वो वैभव के घर आ जाती है। और इस तरह से वैभव और रीना के एक बार फिर से जो एरोटिक सीन, जैसे कि वेब सीरीज में हमेशा देखने को मिलता है कि उल्लू प्लेटफॉर्म की और साथ में जो कुकू प्लेटफॉर्म की जो वेब सीरीज होती है, एक तरह से इन वेब सीरीज में एरोटिक सीन देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से वेब सीरीज दोस्तों काफ़ी तरह से एरोटिक बनाई गई है, और इस वेब सीरीज का नाम इनकी चिकन करी रखा गया। अब इस वेब सीरीज का नाम चिकन करी क्यों रखा गया, ये तो आने वाले एपिसोड में ही सस्पेंस जो पूरा देखने को खुलेगा। और दूसरी तरह इनकी अंकिता दावे जो होती है वो भी काफ़ी कोशिश करती है वैभव को बनाने के लिए और उसको खुश रखने के लिए, और उसको अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है, लेकिन वैभव जो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और वैभव को ये भी लगता है कि वो ना शीला को छोड़ पाएगा और ना ही रीना को छोड़ पाएगा। और दूसरी तरफ रीना जो होती है वो कहानी के अंत में ये भी देखने को मिलता है कि रीना जो होती है वैभव से पैसों का डिमांड भी करती है, लेकिन वैभव कहता है तुम्हें किसी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो दोस्तों, पहला तो इस वेब सीरीज में आपको तीन एपिसोड देखने को मिलने वाले फर्स्ट सीजन में, और बहुत ही जल्द आपके बीच में तीसरा एपिसोड भी लाया जाएगा, इनकी सीजन टू भी आएगा, जिसमें लगभग तीन ही एपिसोड आपको देखने को मिले। आपको बता दें कि अंकिता दावे जी बहुत ही अच्छी वर्सटाइल एक्टर है और इस वेब सीरीज ने काफ़ी हॉट रोमांटिक सीन इन्होंने दिए और इससे पहले भी कई वेब सीरीज में काम कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी अपडेट इस वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलने वाले। बाकी वेब सीरीज आप जो है कुकू प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं ले तो आपसे अलविदा, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।